दिस इज़ अवर सिविक्स सेकेंड चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। अभी हमने पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और अब हम गवर्नमेंट के बारे में करेंगे कि डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट जो है उनका क्या रिलेशन है इंडिया के अंदर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया कम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो लोग हम जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग रेसेस से, रीजन से, रिलीजन से, कास्ट से, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं हम सब, मतलब हमारा बहुत कुछ अलग है। इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, इस तरह की जो डाइवर्स मीन्स जो डिफरेंट, इस जिसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा मतलब वेराइटीज़ हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट डिमांड्स अराइज विच आर ऑफन इन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। तो अलग अलग डिमांड्स हो जाती हैं लोगों की, और जिससे क्या होता है कि लोगों का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मींस उनका झगड़ा हो जाता है। सम पीपल थिंक दैट देयर प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दे शुड बी सॉल्व फर्स्ट, इसलिए उनकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाना चाहिए। वेयर एज अदर मे थिंक दैट देयर प्रॉब्लम शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, जबकि दूसरे सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन सच अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव मीन्स जी और जीने दो। ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है लेट और लिव एंड लेट लिव का, इज़ द बेस्ट कोर्स टू एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो यही एक सबसे बढ़िया मतलब एटीट्यूड है, जिससे क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं, झगड़ों को। द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। जो डेमोक्रेटिक वे है लाइफ का वो किस चीज़ पर डिपेंड है? इक्वालिटी, कि सारे बराबर हों। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाई डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द वेस्टेड और वेराइड इंटरेस्ट। और जो सिटीजन्स हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना म्यूचुअली होता है, आपस में ही, कि वो सॉल्व कर लें जो भी उनके डिस्प्यूट, जो भी झगड़े हैं उनको वो आपस में ही सॉल्व कर लें। और ये झगड़े होते हैं क्यों अराइज होते हैं? उनके वेराइड इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि उनके अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी बातें हैं, तो इसलिए ये झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो झगड़े लोगों अगर अपने आप ही मतलब उनको सुलझा लें तो फिर ये एक डेमोक्रेटिक वे बन जाता है। बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, अ प्राइवेट कंपनी, अ हॉस्पिटल और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, रेजिस्टेंस एंड समटाइम्स क्लैशेस। तो एक जो जैसे ये कह रहा है कि अगर बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, अ प्राइवेट कंपनी, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनसे क्या होता है, लोग जो झगड़े करते हैं उनसे एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक उनके जो स्टैंड्स हैं मतलब वो थोड़े कठोर हो जाते हैं, और सम टाइम क्लैशेस और कई बार बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्कॉर्ड एंड डिवीज़न मीन्स कि जहाँ पर बंटवारे की स्थिति आ जाए, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का जो एटीट्यूड है, एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन इज़ द बेस्ट वे टू सेटल द इशूज़। तो झगड़ों को निपटाने का जो एडजस्टमेंट है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट वो करें सोना है, या मुझे यहाँ पढ़ना है, या मुझे ये चीज़ लेनी है, तो उससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि तुम दोनों की डिमांड अलग अलग होती है। लेकिन अगर उसमें सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है वो है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे अगर आप ये कहो कि हाँ ठीक है, एक घंटे आप ये जगह ले लो, एक घंटे मैं ये जगह ले लूँगा, तो उसमें क्या है, आपको जगह भी मिल जाएगी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा। या जैसे सोने की जगह होती है तो हम कह देते हैं एक रात मैं सोऊंगा, एक रात आप सोएंगे, तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसे एडजस्टमेंट, इसी तरह की एडजस्टमेंट हमें हमारी कंट्री में भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, द बेस्ट वे टू सेटल द इश्यूज, दैट इज़ वाई इंडिया ऑप्टेड टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसीलिए इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको अपनाया है, क्योंकि ऐसे जो एडजस्टमेंट हैं वो सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही हो सकती हैं। उसके बाद है डेमोक्रेसी क्या है। लेट अस रिमेंबर दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी किसी गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का तरीका है।
डेमोक्रेटिक तरीके से जीना। इट डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ अपने भले के लिए ना सोच के अगर सबके लिए सोचते हैं तो उस एटीट्यूड को ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इट टीचेज अस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें सिखाता है कि हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, मतलब किसी भी भेदभाव के बिना सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इट मेक्स अस कंशियस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड इनफर्म एंड चिल्ड्रन। ये हमें कंशियस का मतलब क्या है, सचेत बनाता है कि हम जैसे बूढ़े हैं या जो भी इनफर्म हैं, बच्चे हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, उनका प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, संरक्षण देंगे। इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग। तो ये एक्सपेक्ट करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि जितनी भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सोसाइटी में और डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग का मतलब कि डेमोक्रेसी का तो मेन चीज़, मेन बेस ही यही है कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर सभी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो एक डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है वो होगा ही नहीं। इन डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। कि यहाँ पर कहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें हर किसी को इक्वल फ्रीडम मिलती है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकल फील्ड्स में हो, सभी में उसको इक्वलिटी मिलती है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और अगर किसी के इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं, कोई इशू हो जाता है, तो हारमोनी कैन बी ब्रॉट थ्रू टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हारमोनी का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर, संतुलन में, ठीक है। तो संतुलन बनाया जा सकता है अगर हमारे पास टॉलरेंस हो और सेल्फ डिसिप्लिन हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें अपने खुद ही सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करनी है, हिंसा हमें नहीं करनी है। टॉलरेंस हो मतलब कि सहनशीलता हो, तो ये दो चीज़ें अगर हों आपके अंदर तो संतुलन अपने आप ही हो जाता है। इन दिस वे इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस इन द सोसाइटी, और इस तरीके से सोसाइटी के अंदर बैलेंस बन जाता है। किन चीज़ों से, सिर्फ ये दो चीज़ अगर आपके अंदर हो, टॉलरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन। मैनी अ टाइम अ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग अ डिसीजन ऑफ रीचिंग एट अ कंसेंसस हुज व्यू शुड बी एक्सेप्टेड। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी उड़ जाता है कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर किसी डिसीजन को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी, हाँ सारे मिलकर खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये वाला डिसीजन लो, तो ये भी देखना होता है कि किसका डेमोक्रेसी द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी इज एक्सेप्टेड। वैसे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो ज़्यादा लोग जिस चीज़ पर राजी होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, बट द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड। लेकिन जो माइनॉरिटी है उसका जो ओपिनियन है, उसका जो व्यू है, उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ज़्यादा हैं तो उनकी बात मान ली चाहे वो गलत हो, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों को देखने के बाद, मतलब एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन होता है। अब माइनॉरिटी, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो माइनॉरिटी अब वो हैं ही कम, जब संख्या में ही कम है तो नॉर्मल सी बात है वो अगर उनका कोई व्यू होगा तो वो माइनॉरिटी में ही आएगा, लेकिन फिर भी उनके व्यू को की भी रिस्पेक्ट की जाती है। अब इसके गोल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, यहाँ पे ये प्रैम्बल दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका दी है, इसको पढ़ने के बाद ही हम समझ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब डेमोक्रेसी के गोल्स क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, पर्सुएशन, कॉम्प्रोमाइज। डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन आपसी, मतलब डिस्कस करके, सलाह मशवरा करके, पर्सुएशन मींस मनाकर, और कॉम्प्रोमाइज़ मींस समझौता। ये तीन चीज़ें जो है सभी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व की जाती है, या तो सलाह मशवरा किया जाता है, अगर कोई नहीं मानता तो उसको मनाया जाता है, ये नहीं है कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया या उसको मरवा दिया, ऐसा नहीं होता, उसको मनाया जाता है और समझौता भी करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी भाषाओं के लोग हैं, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता है। झगड़ों का या वायलेंस का, हिंसा का, कोई भी टकराव का और हिंसा का कोई भी जगह नहीं होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी, इन द सोशल, इकोनॉमिक
एंड पॉलिटिकल फील्ड्स, जो डेमोक्रेसी है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि लोग जो हैं अपनी अकॉर्डिंग मतलब बताते हैं अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो उस हिसाब से चेंजेस भी हो जाते हैं, सोशल में भी हो जाते हैं, इकोनॉमिक लाइफ में भी और पॉलिटिकल फील्ड में भी कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। इतना मतलब फ्लेक्सिबल होता है ये, इतना सख्त नहीं होता है कि कोई भी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो डेमोक्रेसी एम्स आर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी, ये आपको बता ही दिया कि सारे बराबर होते हैं। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हारमनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी, डेमोक्रेसी जो है वो सोसाइटी के अंदर हारमनी और बैलेंस बनाए रखती है, टू रूट आउट ऑथोरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप और ये अथॉरिटी जो होती है, मतलब इसका क्या होता है कि मतलब इसको तानाशाही बोलते हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म, तानाशाही, जैसे कोई किसी का अधिकार हो जाता है उस चीज़ के ऊपर, तो इसको, इसकी जड़ों को उखाड़ना होता है, डिक्टेटरशिप को और इसको। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट्स ऑफ ऑबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट। अब जो डेमोक्रेसी होती है वो जो रूल्स हैं उनकी, जो उनका पालन करना है, जो उसकी हैबिट है उसको लोगों के अंदर डालती है, इनकलकेट करती है, और जो India was to solve the problems of poverty, hunger, illiteracy and unemployment. तो इसका मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है, अनपढ़ता को ख़त्म करना है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है। और यही जो चार चीज़ें हैं यही मेन कॉजेज़ हैं इनइक्वालिटी के इंडिया के अंदर, तो मेन यही चीज़ें हैं। Probably the ultimate goal of democracy is the well-being of each individual as a डिस्ट्रिक्ट एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन बींग। और शायद जो अल्टीमेट गोल है, जो अंतिम जो लक्ष्य है डेमोक्रेसी का, वो क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की वेल बींग, मीन्स उसकी भलाई के लिए काम करना, क्योंकि हर एक जो ह्यूमन बींग है वो सिग्निफिकेंट है, मीन्स वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो प्रैम्बल दी है, इस प्रैम्बल को आपने पढ़ना है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि हमारा देश किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन। Representative democracy means in a vast country like India, it is difficult to devise a method for the direct participation of the people in the governments of the country. क्योंकि इतनी बड़ी जो इंडिया की, जो इंडिया कंट्री है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ पर लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो मेथड काम नहीं आ सकता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग अपना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो कि सरकार चलाता है और उसके कामों के ऊपर जो जनता है वो अपनी नज़र रखती है। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो हो नहीं सकता लोगों का, तो वो अपने जो, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 135 करोड़ जो लोग इंडियन हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंदर। Therefore, representative democracy has been adopted in India. इसलिए इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की गई है। इस सिस्टम में क्या होता है, पीपल जो हैं इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं हु गवर्न ऑन दियर बिहाफ, जो अपनी तरफ से सरकार चलाते हैं। दिस मीन्स इंडिया इज इनडायरेक्टली गवर्न बाय द पीपल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली शासन कर रहे हैं लोग ही, हालांकि लोग नहीं बैठे हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में, या मतलब प्रधानमंत्री की चेयर पे या मुख्यमंत्री की चेयर पे लोग नहीं बैठे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो पर्सन बैठा है उसको लोगों ने चुना है, इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसलर हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, ये सारे के सारे जो पर्संस हैं इनको जनता चुनती है। ठीक है, और इसीलिए इनडायरेक्टली शासन कौन कर रहा है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मान लिया आपने किसी बंदे को कुर्सी पर बिठा दिया हो, ठीक है, तो वो पर्सन आपकी बात को मानेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने मतलब आप उसके खिलाफ हो गए तो वो कुर्सी से उतर जाएगा, उसकी जो ताकत है वो छिन जाएगी। तो इसीलिए इनडायरेक्टली लोग ही शासन करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड गवर्न्ड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो इंडिया है वो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है
ठीक है, और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक डेमोक्रेसी की परिभाषा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू गवर्न दियर कंट्री थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मेक लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर दियर वेलफेयर। कि लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो जो काम करते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, वो भी लोगों की तरफ से लेते हैं, यानी लोगों लोग जो कहते हैं वही डिसाइड होते हैं। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, ये लोगों की ही सरकार है। डू यू नो वी इंडियंस मस्ट फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गेव इक्वल वोटिंग राइट्स टू मैन एंड वोमेन बोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड, अनलाइक दैट ऑफ यूएस एंड यूके एंड फ्रांस वेयर वोमेन हैड टू फाइट फॉर ईयर्स टू गेट द राइट टू वोट। हमें हमारे भारत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था, उसकी रूपरेखा जो आउटलाइन है वो तैयार कर ली गई थी। तो उस टाइम ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने वोटिंग राइट्स दे दिए थे, वोट करने का अधिकार दे दिया था आदमी को भी और औरत को भी इक्वली, पहले ही दे दिया था। हमारे देश की औरतों को वोटिंग के लिए लड़ना नहीं पड़ा, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो उसके एकदम बाद ये अधिकार अपने आप ही उन्हें मिल गया था। लेकिन जैसे कि यूएस में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी डेमोक्रेसी, फ्रांस में भी डेमोक्रेसी, वहाँ पर वोमेन को अपना वोट देने के लिए लड़ना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी वो अधिकार पाने के लिए वोट देने का। लेकिन हमारे देश में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने पहले ही आदमी और औरत को समान अधिकार दिए थे। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वोमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं अमेरिका, वहाँ पर 1920 में ये अधिकार औरतों को मिला। यूके में ये अधिकार 1920। पीपल्स पार्टिसिपेशन, अब लोगों का पार्टिसिपेशन करना, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल्स इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो पार्टिसिपेशन है लोगों का इन इलेक्शन प्रोसेस, कंट्री की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वयस्क जो यूनिवर्सल है, सार्वभौम। यूनिवर्सल को हम कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वभौम, यानी कि सभी के लिए समान। वयस्क, वयस्क का मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, और फ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार, मत देने का अधिकार, ठीक है, कि सार्वभौमिक सभी को, चाहे वो जेंट्स हो या चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स और लेडीज दोनों को मीन्स सार्वभौमिक। वयस्क मीन्स जो 18 साल से ऊपर का है और मताधिकार, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। विच मीन्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 8 ईयर्स ऑफ एज एंड अबोव आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज। इस मामले में चाहे आप किसी कास्ट के हों, रंग के हों, किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रीजन के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों, सबको वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट। बस ये है कि वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 18 साल से जो नीचे के बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन इसमें मानते हैं कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती सरकार की, सरकारी कामों की, इसलिए उनको इस वोटिंग से दूर ही रखा गया है, ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोगों को रखा गया है। दिस राइट फॉर्म्स अ वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, तो उसमें ये सब, ये अधिकार हर जगह है। कोई ये नहीं है कि एक ही प्रधानमंत्री को चुनना है या मुख्यमंत्री को चुनना है, तो नहीं, सभी सभी चीज़ों में ये अधिकार सभी को मिला गया है।
पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन आफ्टर द इलेक्शंस, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शंस के बाद भी खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि इलेक्शन हो गए जी अब चलो लोगों का काम खत्म, बस उन्होंने इस किसी को कुर्सी पे बिठाना था वो बिठा दिया काम खत्म। नो, इट इज ऑल्सो टू बी सीन व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि ये तब भी देखा जाता है जब गवर्नमेंट बन जाती है, जब उन्होंने अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि उन्होंने चुन लिए हैं, उन प्रतिनिधियों के चुनने के बाद भी ये जारी रहता है। इन डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। लोग जो है वो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं जो भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर, कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज का मतलब है उनकी आलोचना भी करते हैं। अगर वो कोई ऐसा काम करे जो लोगों को सही नहीं लगता तो वो उसकी आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। दे ऑल्सो गार्ड दियर ओन राइट्स एंड फ्रीडम गिवन टू दैम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिए हैं स्वतंत्रता उनको जो दी है उसको गार्ड का मतलब उसकी सुरक्षा भी करते हैं, मींस वो देखते हैं कि सरकार कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रही जिससे उनकी स्वतंत्रता बाधित हो जाए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पोलिंग बूथ जो होता है जहाँ पर वोट दिया जाता है वहाँ पे किस तरीके से लोगों की लाइन खड़ी बनी हुई है, ये सब वोट देने के लिए आई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक वॉमेन जो है वो वोट दे रही है। व्हेन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट एट एनी लेवल एक्सपायर्स विच इज 5 years इन इंडिया जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। जब गवर्नमेंट जो होती है उसका टाइम जो होता है उसकी टर्म है 5 years। ठीक है, एक सरकार 5 year तक चलती है, उसके बाद जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर से इलेक्शंस आ जाते हैं। एट दिस स्टेज अगेन इट इज द पीपल हु डिसाइड वेदर टू इलेक्ट द सेम पोलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स और रूल टू रूल और रिप्लेस दैम बाय सम अदर टू द इन द इलेक्शंस। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि मान लिया ये 2 लोग खड़े हुए या ये 3 लोग खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर, अब जनता ने इस वाले को चुना और इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, तो ये जो लोग हैं 2 बच गए, ये अपोजिशन में चले गए, मींस की विरोधी हो गए, इनमें जिसके भी वोट ज़्यादा होंगे वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। इसको ये अधिकार होता है कि ये लोगों को बताएं कि इसने कौन से काम सही किए हैं और कौन से काम गलत किए हैं। अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर इनके कामों को देखते हैं, देखने के जो ये वाले लोग होते हैं जो ये लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे मतलब बताते हैं जनता को कि हाँ ये काम उन्होंने सही किया है ये गलत किया, तो लोगों को भी पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन सा काम उनके अकॉर्डिंग हुआ है कौन सा नहीं हुआ। तो अगली बार जो ये 3 मेंबर्स हैं उसने इसको सिलेक्ट किया, अगर ये उनकी जनता के अकॉर्डिंग उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो नेक्स्ट टर्म जब 5 years पूरे हो जाएंगे और दोबारा से इलेक्शंस होंगे तो लोग इसको हटाकर इसको या इसको, जो भी अच्छे वादे करता है अपनी बात को पूरा करता है उसको इलेक्ट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जो बीच वाला है इसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे जो है लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है ताकि अगले इलेक्शन में भी लोग मुझे ही चुने और मैं ही रिप्रेजेंटेटिव बनूं। तो 5 years के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सेम आए, अगर ये नहीं काम करता तो इसमें से और इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये अच्छा काम करता है तो फिर इसको दोबारा से सिलेक्ट किया जा सकता है। Considering all the aspects, the duty of the voters in a democratic setup is by no means easy and simple. Therefore, it is essential to think carefully before one cast one vote. तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए। It is our moral duty, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है that we use our right to vote judiciously. अब moral duty क्यों बोला है इसने, legal duty क्यों नहीं बोला, क्योंकि वोट आप अगर नहीं भी देंगे तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई आपके घर पे ये नहीं है कि आपको जेल लेके चला जाएगा कि आपने वोट क्यों नहीं दिया। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपको खुद को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि मेरा वोट कितना इंपॉर्टेंट है। एक वोट से कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, इसीलिए सही व्यक्ति आए हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर देश के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे, हमारी स्वतंत्रता के हित में काम करे, तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हमें चुनना चाहिए।
हाउ डू वी गवर्न अवर सेल्फ, हम अपने आप पर सरकार कैसे चलाते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट मैनी एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री, हम हमारे डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं पूरी कंट्री में। दीज आर बिल्डिंग ऑफ रोड्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इम्पार्टिंग एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, ये सारी की सारी सर्विसेज रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारे देश में हो रही हैं। हु ऑर्गेनाइजेज एंड कंट्रोल्स ऑल दिस, इन सब पे कौन कंट्रोल करता है। हु मेक्स लॉज, कौन कानून बनाता है टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज़, कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रही, रेगुलेट रेगुलर होती रही। इट इज़ अ गवर्नमेंट, तो ये सरकार है एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर, दैट रिकॉग्नाइज सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज अराउंड अस, जो कि ऑर्गेनाइज भी करती है ऐसे प्लान्स को, फिर सुपरवाइज मीन्स उसको उसको उसकी देखरेख भी करती है कि काम हो रहा है या नहीं, और कंट्रोल भी करती है सारी एक्टिविटीज़ को। द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक्स लॉज फॉर अस बट एग्जीक्यूट देम एज वेल, एग्जीक्यूट मीन्स उसको लागू करना, कि गवर्नमेंट ना सिर्फ कानून बनाती है बल्कि उसको लागू भी करती है हमारे लिए, इन केस सम पीपल ब्रेक दीज लॉज, और कुछ केस में जो लोग हैं वो इन नियमों को तोड़ देते हैं, दे आर पनिश्ड ऑल्सो, तो उनको सजा भी मिलती है। फॉर गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ, तो उन सब का काम अच्छे से चलता रहे, जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अलग अलग लेवल पे बांटा गया है, मीन्स अलग अलग लेवल पे, ताकि छोटे लेवल पे छोटे रिप्रेजेंटेटिव काम कर सके, बड़े लेवल पे बड़े। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन डिवाइडेड इन टू। वर्क्स फॉर द होल कंट्री, जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, एंड इज कॉल्ड द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब स्टेट से जो नेशन है, नेशन से छोटे होते हैं स्टेट, तो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट आती है, फर्स्ट होता है नेशनल लेवल पे, सेकंड होता है स्टेट लेवल पे। वर्क्स विद इन इट्स ओन स्टेट टेरिटरी, फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है तो हरियाणा के लिए काम करेगी, केरला की गवर्नमेंट है वो केरला के लिए काम करेगी, ठीक है। इस तरीके से सारे स्टेट अपने अपने स्टेट में काम करते हैं। अब स्टेट के अंदर भी एक सिटी लेवल होता है, एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, विलेज लेवल होता है, तो सारे लेवल, द लोवेस्ट लेवल ये सबसे छोटा है गवर्नमेंट का, वो विलेज लेवल है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, इसको हम ग्रास रूट लेवल भी बोलते हैं। द ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी, तो ग्राम पंचायत जो गाँव में पंचायत होती है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, उसके बाद है आपने सॉल्व करनी है ये एक्सरसाइजेस और ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।